Which of the following is correct representation of intermediate of न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू द गिवन कार्बोनिल कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? एल्डिहाइड या कीटोन, उसको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसे? देखो, ये एक प्लेनर कंपाउंड है। देखो, ये कार्बोनिल कंपाउंड का एक जनरल मैंने रिप्रेजेंटेशन किया। इसमें कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। कैसे निकाला sp2? कार्बन ने तीन सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, लोन पेयर कोई है नहीं, तो स्टेरिक नंबर हो गया 3। 3 के लिए sp2 होता है। तो ये sp2 एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, यहाँ दिखाया भी हुआ है, इट इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। मान लो इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है आपको, से फॉर एग्जाम्पल आपको HCN ऐड करना है मान लो, तो HCN को दो पार्ट में तोड़ लो, CN- और H+। CN- न्यूक्लियोफाइल, H+ इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी पोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज डबल बॉन्ड से बना हुआ है ये। तो अब क्या होगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, CN कार्बन पे अटैक मारेगा इसे, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्योंकि उस पर उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे अटैक मारेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो क्या हो गया, CO-, एक तरफ ए, एक तरफ बी, एक तरफ का आ गया न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल ऊपर भी अटैच हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल नीचे भी अटैच हो सकता है, दोनों में अटैच हो सकता है ना, क्योंकि ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल था। न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक मार सकता है, न्यूक्लियोफाइल ऐसे नीचे से भी अटैक मार सकता है, दोनों तरफ से अटैक मार सकता है। तो यहाँ पे अगर कायरल कार्बन आ जाए, जैसे ए बी, मान लो ए बी डिफरेंट ग्रुप्स हो, तो ये कार्बन कायरल हो जाएगा, तो इस कायरल कार्बन की दो कॉन्फिगरेशंस बन सकती हैं, एक डी एक एन, क्योंकि CN ऊपर से भी अटैक मार सकता है, नीचे से भी अटैक मार सकता है, ये इसका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। इसके बाद यहाँ पे H+ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CO H। यहाँ न्यूक्लियोफाइल लिखा है मैंने, चलो CN लिख लो, यहाँ न्यूक्लियोफाइल लिख दिया मैंने, CN न्यूक्लियोफाइल है, CN AB ये बन गया, प्लस इसका इनेंशियोमर भी बनेगा, अगर ये कायरल है तो इसका इनेंशियोमर भी बनेगा, दो बनेंगे। तो क्या है इसका आंसर, देखो जरा क्या पूछा उसने, इंटरमीडिएट पूछा है ना, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, देखो जरा, न्यूक्लियोफाइल O- AB BA, दो कॉन्फिगरेशंस हो गई ना, सो ये दोनों करेक्ट है, क्लियर? कार्बोनिल कंपाउंड्स आर प्लेनर, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम इधर साइड ऑफ द प्लेन टू गिव फॉलोइंग सर फिर टेट्राहेड्रल वो था वन इंटरमीडिएट। टू सी भी अंदर हाँ, 1 और 2 है करेक्ट सर, आंसर, वो 3 से 4 नहीं कहते सर, टू टू थ्री 1 और 2, 1 और 2। विच द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस? अब आपको कुछ कंपाउंड दिए हैं, आपको ये बताना है इनमें से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, ये कुछ कंपाउंड्स हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ना जितना इस ये है, फिर से इसको मैं जनरल रिप्रेजेंट करता हूँ, ये एक जनरल कार्बोनिल कंपाउंड मैंने रिप्रेजेंट किया, न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक मारना होता है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये ऊपर चले जाते हैं। अब ये अटैक इस पे डिपेंड करेगा कि कार्बन पे कितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, या कह लो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कितनी है। जितना ज़्यादा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना रिएक्शन ये फास्ट होगा। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, इन ग्रुप्स पे, ए पे और बी पे। अगर तो ए और बी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले ग्रुप हुए, CH3 ग्रुप हो गया जैसे, मान लो C2H5 हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं प्लस आई इफेक्ट से। अगर ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को ये कम कर देंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज को कम कर दें तो रिएक्टिविटी कम हो गई। एक तो ये, एक तो चार्ज फैक्टर हो गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या कहता है, कि यहाँ पे ए और बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर होते हैं तो वो कम करेंगे रिएक्टिविटी को, है ना। दूसरा है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर क्या कहता है,
कि अगर ए और बी बड़े बड़े ग्रुप्स हुए, बल्कि ग्रुप्स हुए, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अप्रोच करना मुश्किल हो जाएगा, तो रेट कम हो जाएगा। ये बात है, दोनों एच छोटे छोटे लगा दो, एक एच दूसरा एच, छोटा छोटा एच है तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक मार देगा, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इन्हीं कारणों से एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटों से। एक क्वेश्चन को छोड़ो, मैं एक एग्जाम्पल वैसे ही लेता हूँ। एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ये हो गया। और एक मान लो ये है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, ये एग्जाम्पल। अब ये प्लस आई ग्रुप है और ये प्लस आई ग्रुप है, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। इसमें ये प्लस आई ग्रुप है, तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला ग्रुप था, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वन और टू, किसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? वन में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले दो ग्रुप हैं, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देंगे वो। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर किसको फेवर कर रहा है? वन को। स्टिरिक फैक्टर भी वन को फेवर कर रहा है। देखो ये दो बल्कि ग्रुप्स हैं, अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल ने आना है तो ये दो बल्कि ग्रुप इसको आने नहीं देंगे, रोकेंगे। यहाँ पे हल्का सा ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आसानी से आ सकता है। तो स्टिरिक फैक्टर भी किसको सपोर्ट कर रहा है? वन को। सो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एज वेल एज स्टेरिक फैक्टर। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो इनमें से देखो, पहले तो आप एल्डिहाइड छांट लो, कौन है? वन एल्डिहाइड और थ्री ठीक एल्डिहाइड है। उसने पूछा क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में उसने मोर रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है ये पूछा है ना। तो एल्डिहाइड तो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होना ही होना है, ये दोनों तो कम रिएक्टिव होंगे, है ना। अब इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? देखो ये तो बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, और ये छोटा छोटा ग्रुप है, तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वन है, तो वन, उससे कम रिएक्टिव थ्री। थ्री इन दोनों में देखो, ये दो छोटे ग्रुप हैं, एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, सी एस तो सेम है दोनों, उससे कम रिएक्टिव टू, टू उससे कम रिएक्टिव फोर। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो वन इज द मोस्ट रिएक्टिव। अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कार्बोनिल कार्बन बिकॉज दैट कार्बन कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एज इट इज बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। यही बात है ना। लेसर इज क्राउडिंग अराउंड द कार्बोनिल कार्बन, ईजियर इज फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक, हेंस मोर इज इट्स रिएक्टिविटी। तो ये कौन सा फैक्टर हो गया? स्टेरिक फैक्टर। और ये कौन सा फैक्टर हो गया? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। लेसर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप्स लाइक अल्काइल ग्रुप सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू प्लस आई इफेक्ट, मोर विल बी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हेंस मोर विल बी रिएक्टिविटी। तो वही बात लिखी है जो समझाई, वन इज द आंसर। नेक्स्ट, एल्कीन सी डबल बॉन्ड सी एंड कार्बोनिल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड ओ बोथ कंटेन ए पाई बॉन्ड, दोनों में बाय। पाई बॉन्ड होता है, बट एल्कीन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेयर एज कार्बोनिल कंपाउंड शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन। हाँ ये बात है, हमने बोला था कि ये एल्कीन है, यहाँ शो किया होता, ये एल्कीन है, ये कौन सा रिएक्शन शो करता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मान लो आपको इसमें एच सी एल ऐड करना हो, एच सी एल को तोड़ लो, एच प्लस और सी एल सीएल माइनस में, माइनस तो इसमें पहले कौन अटैक मारता है? एच प्लस। एच ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पे एच प्लस पे अटैक मार देगा, ये बन जाएगा सी आर आर, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, सी आर आर एच आ गया ना पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पे सी एल माइनस अटैक होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करता है पहले, अगले स्टेप में सीएल न्यूक्लियोफाइल ऐड करेगा, हालांकि हो तो एच और सी एल दोनों ही ऐड गए, ये वाला स्लो स्टेप होता है इसका, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है। सर अपन डायरेक्ट तो लिख ही साथ दे ना। हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नॉट न्यूक्लियोफिलिक। इसमें पहले सी एल माइनस ने अटैक नहीं मारा, एच प्लस ने अटैक मारा है। तो दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाई बॉन्ड का, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन मतलब यहाँ पे क्या ना, इस बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, कहीं पॉजिटिव चार्ज है कहीं नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। अगर मैं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं कैसे बनेगी? सी आर आर एस पी टू है ना ये, सर सी आर आर, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ऐसे, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, उस प्लेन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है नीचे नीचे भी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो फिर एच प्लस को ही अट्रैक्ट करेगा ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करेगा ये। सर विच डबल बॉन्ड है वो सीधे डबल बॉन्ड ऊपर पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड ही दिखाया वो।
ये इन इसके ओवरलैप से वो डबल बॉन्ड बन गया। अब ये शो किया हुआ, लेकिन जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उसमें पोलैरिटी है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो पोलैरिटी होने की वजह से यहाँ पे या अच्छी खासी पोलैरिटी होती है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डबल बॉन्ड हो गया ना, तो डबल बॉन्ड की वजह से काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींच जाते हैं। तो इसलिए अब क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक मार सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करते हैं ये, ना कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पोलैरिटी की वजह से। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन रिएक्शन, दिस इज सोडियम NaHSO3, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसमें ये है Na, तो चलो ऐसे ही है, HSO3 माइनस हो गया, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे सल्फर अटैक मार देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बन गया SO3HO - Na, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है, H+ यहाँ से यहाँ चला जाता है, ये बन गया। तो ये एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एक एग्जाम्पल है ये बात। तो क्या कारण है? कारण है पोलैरिटी। पोलैरिटी सी डबल बॉन्ड वो पोलर होता है, सी डबल बॉन्ड सी नॉन पोलर होता है, और लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, दैट इज वाई वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है एल्कीन, और कार्बोनिल न्यूक्लियोफिलिक। कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक शो करता है।